लेट्स सी ए न्यू क्वेश्चन जो कि आपके सामने रहा. फ्रॉम द होरिजेंटल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए हाउस एंड टॉप ऑफ चिमनी ऑन द हाउस आर एक्स एंड 45. लेट ए बी इज हाउस एंड ए सी इज चिमनी. डी इज एनी पॉइंट ऑन ग्राउंड ज्वाइन बी डी. सो फ्रॉम डी एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ हाउस एंड ज्वाइन ए सी एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ चिमनी. एंड ये जो हमें गिवन है, ये गिवन है एक्स. ये एंगल जो गिवन है अपने को एक्स डिग्री, और जो ये एंगल गिवन है ये हमारा है 45 डिग्री, राइट. और एंगल बी कितना हो गया 90 डिग्री. एंड हाइट ऑफ हाउस इज एच मीटर. सो ए बी इज एच मीटर, इट इज गिवन, राइट. ओके, अपने को निकालना है व्हाट इज ए सी. लेट ए सी इज डी मीटर. दो बारी अब ट्रायंगल यूज करेंगे. एक ट्रायंगल अपने पास है सी बी डी, एक ट्रायंगल है ए बी डी. सो ए बी डी ट्रायंगल में देखें, ए बी डी ये ट्रायंगल में अगर यहाँ बना दो ए बी और डी, तो ए बी डी में ये एंगल एक्स डिग्री है, ये एच है, और अपने को पहले बी डी निकालना है. तो बाई फॉर्मूला मैं से लिख दूँ, बी डी बाई एच इज कोट एक्स, बेस बाई परपेंडिकुलर इज कोट थीटा. थीटा यहाँ पे क्या है, एक्स है. तो बी डी इज इक्वल टू एच कोट एक्स बन गया. तो ये बी डी तो सी बी डी में भी काम करेगा, यानी कि ये बन गया एच कोट एक्स. नाउ इन ट्राइंगल सी बी डी, सी बी डी में, अब सी बी डी में एंगल डी 45 डिग्री, तो एंगल सी बी 45 डिग्री ही बचेगा, बिकॉज ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45. अब 45 45 हैं, दो एंगल इक्वल है, तो दोनों साइड को इक्वल होना पड़ेगा. यानी यहाँ से ये पता लग गया कि बी डी इज इक्वल टू बी सी होगा, जो कि बी डी है एच कोट एक्स इज इक्वल टू एच प्लस डी, क्योंकि ये एच और ये डी. तो हमें यहाँ से निकालना भी फाइनली डी ही है, तो इस एच को यहाँ भेज देंगे, तो ये बन जाएगा एच कोट एक्स माइनस एच इज इक्वल टू डी. यही हाइट ऑफ चिमनी बन गई. सो फाइनली हमारा आंसर एच कोट एक्स माइनस एच इज इक्वल टू डी, जो कि बी पार्ट में हो गया. अब एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखिए, तो देखिए बच्चों, एक और बढ़िया अच्छे दर्जे का, अच्छे लेवल का प्रश्न आपके सामने है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए पैलेस फ्रॉम टॉप एंड बेस ऑफ ए ट्री आर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री रेस्पेक्टिवली. सो सबसे पहले मैंने ए बी ट्री कंसिडर किया, सी डी इज ए पैलेस. ट्री के टॉप से पैलेस के टॉप को, ट्री के बेस से पैलेस के टॉप को मिलाओ, और यहाँ के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गए, ये है एक्स और ये है वाई, और इस पॉइंट का नाम हम ई रख लेते हैं. नेक्स्ट गिवन, इफ द हाइट ऑफ ट्री इज एच मीटर, ए बी इज एच. ए बी एच है तो ई सी भी एच होगा. एंड लेट डी ई इज ए, हमने डी को ए मान लिया. अब दो ट्रायंगल हमारे पास हो गई, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट. इसमें क्या करते हैं, अब दोनों बारी ट्रायंगल का यूज करते हुए, दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, वो क्या है देखते हैं. जो बी सी है ट्रायंगल डी सी बी का बेस, और जो ए ई है डी ई ए ट्रायंगल का बेस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच हैं, तो इनकी लेंथ बराबर होगी. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल डी सी बी लेता हूँ. इन ट्रायंगल डी सी बी, बी सी इज बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सी डी जो कि एच प्लस ए हो जाएगा, एच प्लस ए. बेस बाई परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा, कोट थीटा माने एंगल यहाँ पे वाई हो गया. अच्छा, यहाँ से क्या मिल गया,
यहां से मिलेगा कि बी सी इज इक्वल टू एच प्लस ए एंड कोट ऑफ वाई, राइट। और यही बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए ई के बराबर हो जाएगा, राइट। अब हम ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल डी ई ए, ट्रायंगल डी ई ए में मैं लिखता हूं ए ई डिवाइडेड बाई डी ई दैट इज इक्वल टू कोट ऑफ एक्स, क्योंकि ये भी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू कोट थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है एक्स है। तो यहां से जो ए ई है वो पहले से बी सी के बराबर है जिसकी वैल्यू ये है, तो ए ई की जगह लिखा मैंने एच प्लस में ए कोट वाई डिवाइडेड बाई डी ई को हम ए बोलते हैं इज इक्वल टू कोट एक्स दे रखा है, ठीक है। इस ए को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, और इस कोट को दोनों पे मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये कोट एच से मल्टीप्लाई होगा, तो अगला स्टेप एच कोट वाई प्लस ए कोट वाई इज इक्वल टू ये ए यहां मल्टीप्लाई होगा तो ए कोट एक्स बन गया, राइट। देखो इस पॉइंट को लेके अब हम यहां आएंगे, हमें फाइनली निकालना तो ए है, ए को एक साइड कर लेते हैं, यानी कि एच कोट वाई इज इक्वल टू, देखो ए कोट एक्स पहले से है और ये ए कोट वाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और दोनों में ए कॉमन है तो ए को हम कॉमन ले लेते हैं और ये कोट वाई बन गया। देखिए कैसे ए कोट एक्स पहले से था, ए कोट वाई यहां पे आया, ए लिया कॉमन तो ये बन गया कोट एक्स माइनस में कोट वाई। सो ये स्टेप आपको ध्यान से रखना है, हमने यहां पे क्या लिख दिया ए कॉमन लेके कोट एक्स माइनस कोट वाई, राइट। तो यहां से एच कोट वाई डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आओ, ये बन जाएगा कोट एक्स माइनस कोट वाई इज इक्वल टू ए। देखो हमने जो ए कंसीडर किया था डी ई वो निकाल लिया, हमें ए नहीं निकालना, इनफैक्ट हमें हाइट ऑफ पैलेस निकालना है, तो हाइट ऑफ पैलेस तो क्या है एच प्लस ए है, सो फाइनली हमें निकालना डी सी। तो नाउ डी सी इज इक्वल टू एच प्लस ए, तो एच तो हमारा ये रहा, ए की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो क्या बनेगा एच कोट वाई डिवाइडेड बाई कोट एक्स माइनस कोट वाई, राइट। सो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले देंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा कोट एक्स माइनस कोट वाई, ये यहां भी मल्टीप्लाई होगा ये यहां भी मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा एच कोट एक्स माइनस एच कोट वाई, और इसका नंबर जब आएगा तो ये बराबर दोनों है तो सिर्फ जो ऊपर बचा वो लिखा जाएगा एच कोट वाई, एच कोट वाई एच कोट वाई हो गया कैंसिल, देखिए ये और ये आपस में कैंसिल, तो जो फाइनली बना वो क्या बना, वो बना एच कोट एक्स डिवाइडेड बाई कोट एक्स माइनस कोट वाई, राइट। ये हमारा फाइनली हाइट ऑफ पैलेस बन जाएगा आंसर, जो कि सी पार्ट में अपने को दिख रहा है कोट एक्स माइनस कोट वाई, ओके। तो ये इसका सॉल्यूशन रहा, सब देखो टोटली बेसिक पे डिपेंड होके हमने काम किया, क्योंकि इसमें एक्स वाई की वैल्यू मालूम नहीं थी तो यहाँ कोई ट्रिक नहीं चलनी थी, यही काम करना था आपको, राइट। अगले पे बढ़ते हैं, देखो अनदर गुड वन, देर आर टू पोल्स ऑफ सेम हाइट ऑन द टू साइड ऑफ ए रोड ऑफ ब्रेथ 100 मीटर, लेट ए बी आर टू साइड्स ऑफ ए रोड 100 मीटर वाइड, लेट ए सी इज ए पोल एंड बी डी इज ए पोल ऑफ सेम हाइट एच एंड एच फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोड, लेट दिस इज एनी पॉइंट ऑन द रोड, लेट ई इज एनी पॉइंट ऑन द रोड, इज एनी पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 एंड 60 डिग्री, ज्वाइन डी एंड ज्वाइन सी, दीज एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, तो ये 30 डिग्री हुआ ये 60 डिग्री हुआ, वट इज द हाइट ऑफ ईच पोल,
हाइट ऑफ ईच पोल, ये कैलकुलेट करना। देखो लेट ए ई, लेट ए ई इज एक्स इन ट्राइंगल सी ए ई, एंगल ए इज 90 डिग्री, एंगल ई 60, तो ये एंगल क्या बचेगा 30 डिग्री बचेगा। एच बाई एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 10 थीटा यानी 10 60, तो एच इज इक्वल टू क्या बन गया एक्स इंटू, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 10 60 की वैल्यू रख दी तो √3 रख दी हमने। सिमिलरली इन ट्रायंगल डी बी ई, यहाँ से यहाँ ये सारा 100 मीटर था, एक्स अगर ये हो गया है तो ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या लिखता हूँ मैं, एच डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 10 ऑफ थीटा, 10 थीटा माने 30 डिग्री यहाँ पे हो गया। सो जो एच आ गया वो आ गया 100 माइनस एक्स इंटू 10 30, अब 10 30 की वैल्यू 1/√3 आ गया, राइट। देखो अपने पास एक तो एच ये बन गया, एक ये बन गया, जब दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड को आपस में कैसा होना चाहिए, इनको इक्वल होना चाहिए। सो कैन वी राइट √3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। ये अगला स्टेप क्या होएगा, दिस इंप्लाइज इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, एक्स को वापस ले आओ तो 3x प्लस में एक्स इज इक्वल टू 100, 4x इज इक्वल टू 100, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 100/4 इज इक्वल टू 25। लेकिन ये जो x आया है ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर क्या है, h है। x की वैल्यू जो आई है, x की वैल्यू को देखो, चाहे तो यहाँ पुट कर दो बट यहाँ पुट करना इजी रहेगा, तो h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x की वैल्यू आ गई 25, साथ में √3 लिखा ही हुआ है, तो ये जो बन गया फाइनली 25√3 25√3 हमारा आंसर हो जाएगा, ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये हमने जो बेसिक से काम किया है, अब इसको चाहो तो थोड़ा सा स्टाइलिश काम इस पर कर सकते थे, वो क्या कर सकते थे वो अब हम चेक कर रहे हैं। देखो नाउ देखिए इसका एक और स्टाइलिश सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अपने को पता है कि ए बी का डिस्टेंस 100 है, ई पॉइंट से यहाँ और ई पॉइंट से डी पे मिलाएं तो 60 और 30 बनता है। मैं क्या बोलता हूँ, सी डी को ज्वाइन कर दीजिए, तो अगर ये 100 है तो सी डी भी 100 ही होगा, ओके। और अगर ये यहाँ से यहाँ एच है तो यहाँ से मैंने ड्रा किया तो ये भी क्या बन गया, एच बन गया, ये भी ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो ये सारा 90 है, ये 30 है, तो बाहर क्या बच गया, 60 बच गया। सिमिलरली ये 90 है, ये अगर 30 है तो ये क्या होगा 60 है, और ये भी सारा 90 है तो ये बाहर क्या बच गया 30 डिग्री बच गया। देखो अपने को अब एक काम करना है, इस ई पॉइंट को पकड़ के हम ऐसे पलट देंगे यानी कि इसको ऊपर ले आएंगे, ई पॉइंट अगर यहाँ पहुँच गया, इसको पकड़ के ऊपर ले आएंगे, ई पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो ये ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा, ये जो है ई और ये जो पॉइंट कुछ भी बोल दो इसको उसे एफ, जो ई एफ है तो ई अगर ऊपर पहुंच गया तो एफ यहीं रहा, तो यानी एच तो ये हो गया, ये जो ई सी लाइन है, ये ई सी लाइन ये बन गई तो ये एंगल कितना बन गया 60 बन गया, राइट। सिमिलरली ये एंगल अगर यहाँ 30 है तो ये एंगल भी इधर बन के 30 हो गया, यानी अब फाइनली देखो ये जो डायग्राम बन गया ये वाला, इसमें जो एच है वही तो हमारा हाइट ऑफ पोल है, और इसका तो अपने को फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है क्या, एच इज इक्वल टू, देखिए अगर ए बी 100 है तो सी डी भी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 100, तो बोलो एच क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाई कोट 60 प्लस कोट 30, क्योंकि देखो दोनों पॉइंट अपोजिट है, इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई कोट 60 1/√3 प्लस कोट 30 दिस इज √3। सो 100 बाई कोट 60 इज 1/√3, कोट 30 इज √3। सो नेक्स्ट स्टेप इज 100 डिवाइडेड बाई टेक एलसीएम,
एलसीएम लिया तो कितना बन गया, ये रूट थ्री बन गया। वन बाई रूट थ्री के साथ ट्रीटमेंट लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा वन प्लस रूट थ्री, और रूट थ्री इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो ये यहाँ पहुँच के रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो थ्री हो गया, है ना। नेक्स्ट स्टेप पे ये ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बनेगा हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन प्लस थ्री इंटू रूट थ्री, ये ऊपर चला गया। थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, फोर इसे कैंसिल कर देगा ट्वेंटी फाइव पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव रूट थ्री इज द हाइट ऑफ ईच पोल, राइट। आप ऐसा भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, दोनों रास्ते हैं, दोनों में से जो आपको बेटर लगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा इजी एक क्वेश्चन मिल गया अपने को। इफ शेडो ऑफ ए टावर इज वन बाई रूट थ्री टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, दिस इज टावर ए बी, बी सी इसकी शेडो बनेगी, ज्वाइन ए सी, लेट दिस एंगल इज थीटा, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट हाइट ऑफ टावर इज एक्स, तो शेडो क्या बनेगी, एक्स बाई रूट थ्री बन जाएगी। बाई डेफिनेशन एक्स बाई रूट थ्री परपेंडिकुलर बाई बेस इज टेन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स रूट थ्री बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स से एक्स कैंसिल, तो बताओ यहाँ टेन थीटा रूट थ्री कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, राइट, यही हमें निकालना था। फाइन, फिर से एक बहुत इजी सामने आ गया। द शेडो ऑफ पोल एंड इट्स लेंथ आर इक्वल, ए बी इज ए पोल एंड बी सी इज शेडो, ज्वाइन ए सी, लेट थीटा, सो दीज टू आर इक्वल, ये तो 90 बी तो हो गई होगा, जैसे ये इक्वल हुए तो आपको फटाक से पता लग गया कि ये तो 45 डिग्री होगा, जिस 45 डिग्री को हम पाई बाई फोर लिख देंगे एंगल के टर्म्स में, परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर ये भी x है तो ये भी x है, तो हमने पीछे जो रेशो तैयार किया उससे तो फटाक से आ ही गया, नहीं तो ये बोल सकते हो आप परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, वन वन इज इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी, ऐसे निकल सकते हैं हम। नाउ इफ एंगल मेड बाई सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल डिक्रीजेस बाई 20 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल। देखिए लेट ए बी इज पोल, यहाँ सन है तो शेडो इस साइड आएगी, लेट दिस पॉइंट इज सी, सो ज्वाइन ए सी, दिस एंगल गिवन टू अस इज 30 डिग्री, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस 30 टू 45 इट मीन्स मूव टुवर्ड्स द पोल, लेट पॉइंट इज डी एंड ड्रा डी, दिस इज 45, शेडो डिक्रीज बाई 20 मीटर, यानी कि डी सी कितना हो गया 20 मीटर हो गया, राइट। वट इज द हाइट ऑफ पोल एच, वी नो द फॉर्मूला एच इज इक्वल टू 20, याद होना चाहिए डी यहाँ पे 20 है, कोट 30 माइनस कोट 45, नेक्स्ट स्टेप इज 20 बाई कोट 30 इज रूट 3 माइनस 1, माइनस 1 मीन्स कोट 45 आ गया हमारा, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, अब इसे यहीं पे रैशनलाइज कर दीजिए, रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री प्लस वन, ओके नाउ कम हेयर, 20 इंटू रूट थ्री प्लस वन बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, इट इज रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर दैट इज टू, इट इज रूट थ्री सो टू, तो टू कैंसिल आउट 20 10, तो 10 अंडर रूट थ्री प्लस वन, 10 अंडर रूट थ्री प्लस वन इज माई फाइनल आंसर विच इज इन पार्ट डी। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री, वट इज द हाइट ऑफ टावर, वेरी इजी, लेट ए बी इज टावर, लेट सी इज द पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम बेस एंड ज्वाइन ए सी, दिस एंगल इज गिवन टू अस 45, हाइट ऑफ टावर ए बी इज हाइट ऑफ टावर, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो बचा हुआ भी 45 डिग्री, ये दोनों बराबर ही होते हैं, तो ये भी कितना आ गया हमारा 20 मीटर ही आ गया, दैट्स इट फाइनल आंसर। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन
When the length of shadow of pole is root 3 times to the height, let AB is the tower and BC is shadow. Let AB is tower and height of tower is X. So, length of shadow is root 3X. It is given. Now, join AC. And what is theta? So, बोलना स्टेप अगर अपने को याद है, ये x है, ये रूट थ्री एक्स है, तो निश्चित बात है ये 30 बनेगा. चेक भी कर लो, x बाई रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस करके ये कैंसिल. तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, दिस सिंप्लीफाइज थीटा इज इक्वल टू 30 degrees. राइट, ए पार्ट इज माई आंसर. नेक्स्ट अनदर गुड वन. एन एरोप्लेन फ्लाइंग at a height of 300 meter above the ground level and passes vertically above another plane at an instant. Let P1 is first plane and it passes vertically above second plane, that is P2. P1 पहला plane है, दूसरा plane P2 है. ये किसी instant पे बिल्कुल vertically एक दूसरे को cross कर रहे हैं. When the angles of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 and 45 degree. Let C be any point. Let this point is C. C be any point and the angle of elevation from C. C P2 ko mila do and C P1 ko mila do. Jo inke angles bata rakhe hain, ye 45 degree bata rakha hai aur ye 60 bata rakha hai. Is point ka naam A, इसका नाम B, इसका नाम D, और D पे क्या है 90 डिग्री. एंड P1 P2 आर टू प्लेन्स, जस्ट ये बता रखे. अच्छा, स्टार्टिंग में बोलते हैं प्लेन P1 मीन्स AD गिवन है, AD दे रखा है 300 meter. प्लेन P1 ग्राउंड से 300 मीटर अबव उड़ रहा है. देन द हाइट ऑफ द लोअर प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड इन मीटर, आपको निकालना है व्हाट इज बी डी, ये कैलकुलेट करना है आपको. देखो गिवन पूरा है ए डी 300, ये दे रखा है 45, ये दे रखा है 60. देखो अगर ये 60 है और ये 90, ट्रायंगल ए डी सी में एंगल ए 30 बचेगा, ट्रायंगल बी डी सी में ये 45 डिग्री बचेगा. लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स, तो 45 के सामने अगर x है तो ये 45 के सामने भी x होगा. राइट, हमने यूज किया ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी में 45 45 90, मीन्स ये बी डी एक्स है. लेट बी डी एक्स है तो डी सी भी क्या आ गया, x आ गया. राइट, ये बात करेंगे. अच्छा नेक्स्ट, जब मैंने ट्रायंगल यूज की इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो ए डी सी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, डी इज 90, सी इज 60 एंड दिस इज 30, और 30 के सामने हमने कंसीडर क्या कर रखा है, इट इज एक्स. तो 60 के सामने क्या होगा, अंडर रूट 3x. राइट, ए डी, और ए डी कितना दे रखा है अपने को 300, और बी डी को हमने क्या मान रखा है एक्स. और यहां से देखो 60 के सामने यहां से ए डी को रूट 3x बोलते हैं, और वैसे ए डी कितना गिवन है 300. तो फाइनली क्या लिखूं, क्या रूट 3x इज इक्वल टू 300 नहीं है, तो x कितना आ जाएगा, x आएगा 300 बाई रूट 3. तो इसे रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड कर दे, तो क्या बनेगा 300 रूट 3 बाई 3, 3 से कैंसिल करके 100 बनाएगा, यानी कि आंसर 100 रूट 3 हो जाएगा. हमने x निकालना है, x ही तो हमारा BD था, मीन्स लोअर प्लेन की हाइट थी यहाँ पे. नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस ऑफ टू बोट्स आर 45 एंड 30 डिग्री विच आर 60 मीटर अपार्ट. लेट ए बी इज ए लाइट हाउस एंड बी वन एंड बी टू आर टू बोट्स. लेट पॉइंट दिस पॉइंट सी, दिस पॉइंट इज डी. सी पॉइंट पे बोट B1 है, डी पॉइंट पे बोट B2 है. B1 और B2 बोट के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 60 मीटर. राइट, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां टॉप से
यहाँ टॉप से अगर मैं सी को मिलाऊं, इसी टॉप ए को मैं डी से मिलाऊं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एंगल तो वो यहाँ बनने थे ये और ये, बट बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी सीधे सीधे वो एंगल बनने इधर ही हैं, ये बनेगा 30 डिग्री, ये बनेगा 45 डिग्री। सो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन थे लेकिन वो वापस जाके बाय अल्टरनेट प्रॉपर्टी इधर ही लिखे जाएंगे। हाइट ऑफ लाइट हाउस, लेट एच बी द लाइट हाउस, आई थिंक हो गया अभी अपने लिए। एच क्या होता था याद है, ये 60 डिवाइडेड बाई कोट 30 माइनस कोट 45, राइट। अगेन 60 डिवाइडेड बाई कोट 30 इज रूट 3, कोट 45 माइनस 1, माइनस था तो इसलिए माइनस 1 बोला, यहीं पे इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 3 प्लस 1 साइन बदल देते हैं ना, और 3 प्लस 1 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 60 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फिर से भाई ए माइनस बी, ए प्लस बी, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 रहेगा, तो ये 3 माइनस 1 2 लिखा जाएगा। अब ये 2 इसको कैंसिल कर देगा 30 पे, राइट। सो जो हमारा हाइट आया वो आ गया 30 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 आ गया, इट मीन्स सी पार्ट हमारा आंसर होगा इस केस में। देखिए एक अच्छा प्रॉब्लम आपके सामने है, ए टावर 100 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए माउंट, लेट ए बी इज ए माउंट एंड ए सी इज ए टावर विच इज 100 मीटर टाल, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर आर फाउंड टू बी 75 एंड 45, लेट डी इज एनी पॉइंट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ए एंड ज्वाइन डी, दिस इज 45 एंड दिस इज 75। ओके हाइट ऑफ माउंट इन मीटर्स, इन ट्रायंगल ए बी डी, बी इज 90, डी इज 45, तो दिस इज ऑल्सो 45। लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, अगर ए बी एक्स है तो 45 के सामने एक्स है तो इस 45 के सामने भी एक्स ही होगा, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन ट्रायंगल सी बी डी, सी बी माने 100 प्लस में एक्स, सी बी 100 प्लस में एक्स, बाई बी डी दैट इज एक्स, परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट, दैट इज इक्वल टू 10 थीटा एंड 10 थीटा, थीटा यहाँ पे 75 डिग्री हुआ, राइट। नाउ 100 प्लस में एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1075 इज 2 प्लस रूट 3। 1075 हम ट्रिग्नोमेट्री में जो 10 ए प्लस बी के फॉर्मूले हैं वहां से जो पीछे पढ़ के आए थे उनका मैंने यूज किया इसमें। सो 100 प्लस में x इज इक्वल टू, ये एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, x 2 प्लस रूट 3, इस x को भी यहाँ भेज दो, तो नेक्स्ट स्टेप इज 100 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 माइनस एक्स, 100 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लिया तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 1, तो 100 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट, देखो इसका और इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो इट इज रूट 3 प्लस 1 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज 100 डिवाइडेड बाई, इसको इसके नीचे भेज दिया तो रूट 3 प्लस 1, तो ये एक्स के इक्वल हो जाएगा, यहीं पे इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस 1, सो इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये बनेगा 100 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, वही रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 2 हो ही जाएगा, 2 से ये गया 50 पे, तो एक्स की वैल्यू आगे जो हमारी 50 अंडर रूट 3 माइनस 1 फाइनली, बी पार्ट इज माई आंसर। ओके नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए फ्लैगस्टाफ 6 मीटर हाई प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, लेट ए बी इज ए टावर एंड ए सी इज ए फ्लैगस्टाफ एंड इट इज 6 मीटर, इट इज गिवन ए सी 6 मीटर, थ्रोज ए शेड ऑफ 2√3 मीटर अलोंग द ग्राउंड, देन द एंगल इन डिग्री दैट सन मेक्स विद द ग्राउंड,
इट इज बी डी, सो ज्वाइन सी डी. सी डी के पैरेलल ही यहाँ पे ये खींच दीजिए ए ई. ए ई इज पैरेलल टू सी डी. यहाँ पे सन है जो इस फ्लैग की शेडो है जो गिवन है 2√3, तो ये इतना बना 2√3 ई डी. और इस बी डी के पैरेलल अगर मैं यहाँ पे ये खींच दूँ ए एफ, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया. तो ये साइड और ये साइड ए एफ और ई डी बराबर होंगे, तो यानी बात ये बनी कि ए एफ ही 2√3 हो गया. राइट, बताना है अपने को दिस एंगल थीटा, ये पैरेलल तो बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिस एंगल इज अगेन थीटा. नाउ इन ट्रायंगल सी ए एफ 6/2√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इज 10 थीटा. 2 से ये 3 पे कैंसिल हुआ और इस 3 को नेक्स्ट स्टेप पे लिख लूंगा मैं √3 × √3 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 10 ऑफ थीटा. ये से ये कैंसिल, तो बताइए 10 थीटा √3 कब होगा, जब थीटा 60 डिग्री होगा. सो 60 डिग्री यानी ये पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. फिर से एक बढ़िया एग्जांपल आपके सामने. फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग टुवर्ड्स 50 मीटर इन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस एंगल एलिवेशन ऑफ इट्स बेस चेंजेस टू 30 डिग्री टू 60 डिग्री. क्वेश्चन पढ़ के आई थिंक आपको ट्रिक याद आ गई होगी. देखिए, लेट ए बी चिमनी, सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से चेंज होके 60 डिग्री बन गया और सी डी जो दे रखा है वो 50 मीटर दे रखा है. फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी, लेट ए बी चिमनी एंड एच इज हाइट. इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग 50 मीटर ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस टू 30 to 60 डिग्री. 30 to 60 डिग्री चेंज होना इट मीन्स 50 से 25 होना, ये हम पीछे काम कर चुके हैं. और अब ये 90 है, ये 30 है, 30 के सामने 25 है, तो 60 के सामने h, h माने यहाँ पे क्या हो जाएगा 25√3 इज माई आंसर, दैट इज टी पार्ट इज आंसर. डन, ओके. तो स्टूडेंट्स अभी सिर्फ 2 बेसिक पॉइंट्स में अभी आपको और डिस्कस करूंगा, फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट होएगा. देखिए पहले बताऊँ क्या पॉइंट अपने को डिस्कस करना है. लेट ए बी बेनी वर्टिकल पोल एंड पॉइंट सी एंड पॉइंट डी इज देर, सो ज्वाइन ए सी एंड ज्वाइन डी. इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज 90 − θ, लेट ए बी इज टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट डी टू द टॉप इज डी एंड फ्रॉम सी इट इज 90 − d. मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए. मीन्स दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. सो लेट एच बी द हाइट एंड दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस बी डी डिस्टेंस इज बी. सो कैन आई राइट इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी तो 90 है, एच बाई ए इज इक्वल टू 10 − θ. सो एच इज इक्वल टू ए 10 − θ, 90 पे 10 चेंज कोट में होएगा, यानी कि कोट थीटा बन गया. एच इज इक्वल टू ए कोट थीटा हो गया. लेट इट बी नंबर वन. सेकेंड, इन ट्रायंगल ए बी डी, एच बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस इज 10 θ. सो एच यहाँ से बन गया बी 10 θ. इट इज नंबर टू. नंबर वन में यहाँ भी एच, नंबर टू में यहाँ भी एच, यानी इन दोनों को आपस में देखो, अगर दोनों एच हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. नंबर वन नंबर टू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच इंटू एच इज इक्वल टू ए बी कोट थीटा इंटू 10 θ, और कोट थीटा इंटू 10 θ 1 बन जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. इट मीन्स एच इज इक्वल टू √ab. इसको
हम डायरेक्ट फॉर्मूले की यूज करेंगे, मीन्स अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, मीन्स इन दोनों का सम 90 हो गया, तो जो हाइट होती है वो हाइट इन डिस्टेंसेस के प्रोडक्ट का अंडर रूट होती है। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसमें हम डिजिट डाल के काम कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ मैं अब एक क्वेश्चन बनाऊँ। लेट ए बी इज ए टावर एंड सी एंड डी आर टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। सी और डी पॉइंट से जो पॉइंट ए के एंगल ऑफ एलिवेशन हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, या ये बोल सकते हैं दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 20 डिग्री एंड दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 70 डिग्री। बी सी गिवन होगा 64 मीटर एंड बी डी गिवन होगा 121 मीटर। व्हाट इज हाइट ऑफ टावर, ऐसे कहेंगे ए बी इज ए टावर, सी इज ए पॉइंट 64 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस एंड डी इज ए पॉइंट 121 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस एंड एंगल ऑफ एलिवेशंस आर रेस्पेक्टिवली एट डी 20 डिग्री एट सी 70 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, एच इज इक्वल टू 64 इंटू 121 का अंडर रूट दैट इज 8 इंटू 11 दैट इज 88 मीटर इज माई आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट, डायरेक्ट यूज करेंगे इसको। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब और मैं लास्टली आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए पहले एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा कैसा होता है। नाउ क्या एग्जाम्पल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज 45 डिग्री आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर एट एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंटेन, देखिए ये एक माउंटेन है, देखो ऐसे ये इसका टॉप है, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करेंगे तो ये होगा, राइट। लेकिन हम ऐसे क्लाइंब तो नहीं कर सकते ना, हम तो जैसे जैसे ये शेप लेगा ऐसे ये यहाँ तक ऐसे क्लाइंब किया और इसके बाद एकदम से चेंजेस ऐसे ये ज़्यादा स्टीप हो गया। तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो देखिए कैसे बनेगा। कंसीडर करो कि ये माउंटेन है ए बी, हम सी पॉइंट पे यहाँ खड़े हैं, तो स्टार्टिंग में जो अपने को एंगल दे रखा है वो दे रखा है ये 45 डिग्री, लेकिन 45 पे हम स्टार्ट नहीं कर सकते, हम स्टार्ट कर पाए 30 डिग्री पे, यानी कि यहाँ से यहाँ 30 डिग्री पे 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद अचानक से एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया, 60 हो गया। सो इसको यहाँ मिला दो, ये 60 हो गया, इसको यहाँ मिला दो, सो सी ये डी है और ये पॉइंट ई है। ओके, बी तो 90 डिग्री होगा तो ई भी 90 डिग्री होगा। अब यहाँ देखो थोड़ा सा बेसिक पहले तैयार कर लेते हैं। ये सारा एंगल 45 डिग्री था जिसमें से ये 30 है, तो जो ये बाहर बच गया ये 15 डिग्री बच गया, राइट। ये 90 है, ये 60 है, तो ये जो बचा ये भी कितना बच गया, 30 डिग्री बच गया। गुड, नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग में जब ट्रायंगल ए बी सी लिया था तो ये एंगल भी तो 45 है और ये 90 है, तो ये सारा भी कितना था, ये सारा 45 था जिसमें से 30 अगर ये हो गया तो ये बाहर भी कितना बच गया, 15 डिग्री बच गया। ये हम पहले से काम करके तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये पूछूं, अगर इसका नाम मैंने एफ रखा तो ट्रायंगल सी एफ ए में, ट्रायंगल सी एफ ए में एंगल ये 15 डिग्री, एंगल ये 15 डिग्री ये बताता है कि सी एफ इज इक्वल टू एफ ए, राइट, इक्वल साइड्स में इक्वल एंगल, तो ये भी कितना बन गया, 1 किलोमीटर बन गया। अब स्टार्ट करते हैं, देखो अब बहुत मामूली सा बन जाएगा ये, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट अब आप कनेक्ट कर चुके हैं उसको, देखते हैं क्या होता है। नाउ इन ट्रायंगल एफ डी सी, इन ट्रायंगल एफ डी सी दिस इज 90, दिस इज 30, दिस इज 60, 30, 60, 90 वाला रूल आपको याद है। 90 के सामने क्या लिखते हैं, 2x, और 2x कितना गिवन है, 1, तो 30 के सामने क्या लिखते हैं,
30 के सामने तो x लिखेंगे जो कि 1 बाई टू बन जाएगा, राइट। तो ये हिस्सा बन गया 1 बाई टू, दैट मीन्स एफ डी बन गया ये। और एफ डी जितना ही ई बी होगा, यानी ये भी कितना बन गया 1 बाई टू किलोमीटर बन गया। फाइनली क्या निकालना रह गया, ए और ई निकालना रह गया, ये हमारा पॉइंट बचा। नाउ यूज ट्रायंगल ए ई एफ। इन ट्रायंगल ए ई एफ ये 90, ये 60, ये 30। 90 के सामने फिर से क्या दे रखा है, देखो 1, यानी कि 2x फिर से 1 दे रखा है। x इज इक्वल टू 1 बाई टू होगा, पर अब की बार 60 के सामने ये 60 के सामने आ गया ना, तो ये 60 के सामने निकालना है, जिसको तो रूट 3x बोलते हैं, यानी ये बन गया अंडर रूट 3 बाई टू। तो ये जो अंडर रूट 3 बाई टू, ये कौन बन गया, ये बन गया ए ई बन गया, राइट। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना हाइट ऑफ माउंटेन। हाइट ऑफ माउंटेन तो बन जाएगी ए बी, जो कि इक्वल होगा ए ई प्लस ई बी। ए ई की वैल्यू रूट 3 बाई टू, इसकी वैल्यू 1 बाई टू, तो आंसर बन गया रूट 3 प्लस 1 बाई टू और किलोमीटर इज माई फाइनल आंसर। तो देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखते हुए अपने बेसिक पे स्ट्रॉन्ग रहना है और आगे बढ़ जाना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस अब कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉय द सेशन, कीप प्रैक्टिसिंग, इनको रिवाइज करते रहें और एक अच्छे लेवल पे अपना स्कोर करें, अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।